नृपेन जी, आप खुद भी क्योंकि मंदिर निर्माण से इस हद तक जुड़े हुए हैं और आपके अनुभवों का भी बड़ा लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि हमने देखा किस तरह से मंदिर निर्माण की अगर बात की जाए तो नींव से लेकर गुंबद तक सब आपके निरीक्षण में बन रहा है। चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, चुनौतियाँ अगर उनका जिक्र किया जाए तो चुनौतियाँ आपके सामने क्या क्या थीं और क्या क्या हैं? सारांश में कहूँ तो तीन चुनौतियाँ थीं। पहली चुनौती तो तकनीकी थी। तकनीकी चुनौती में मुख्य बात जो सभी को समझ में आ जाएगी वो यह है कि कोई भी जो निर्माण कार्य होना है, जैसे फाउंडेशन होना है, उसके ऊपर राफ्ट है, उसके ऊपर प्लिंथ है, उसके ऊपर स्टोन का वर्क है, तो कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाए, इसके चयन में आप विश्वास माने जितनी राय अन्य लोगों की होती है उसी प्रकार इंजीनियर्स की भी अलग अलग राय होती है। केवल अर्थशास्त्री की ऐसा नहीं होता कि यह राय अलग हो, सही बात। तो इंजीनियर्स भी अलग अलग राय देते हैं कि इसमें ऐसा किया जाए तो ये उचित होगा, ऐसा किया जाए। तो एक ये चुनौती थी, और अंत में निर्णय लेना होता था जिम्मेदारी के साथ, और प्रायः वो लोग यह भी चाहते थे कि मैं लिखित में दूँ। सर, आप, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा आपसे कि आप देश के इतने प्रसिद्ध मशहूर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, जब आपको पहली बार ये पता चला कि आपको राम मंदिर की निर्माण समिति का प्रमुख बनाया जा रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपका पहला रिएक्शन क्या था और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आपको इसकी जानकारी दी थी? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जानकारी नहीं दी थी। मैं आपको इसका बिल्कुल एक मिनट में बताता हूँ कि कैसे यह हुई व्यवस्था। जब उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया जी कि मंदिर का निर्माण होगा, सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, एक न्यास बनेगा, न्यास के जरिए बनेगा, तो उन्होंने उसमें ही आदेश किया कि निर्माण के लिए एक निर्माण समिति होगी जिसका एक अध्यक्ष होगा, वह अध्यक्ष ट्रस्ट का पदेन सदस्य होगा। ये सब व्यवस्था उस निर्णय में थी, उसके अनुसार ट्रस्ट में आई। तो जब ऐसा हुआ था तब कुछ प्रमुख सचिव जी जो वर्तमान में हैं उनके स्तर पर मेरी प्रारंभिक चर्चा हुई थी कि क्यों ना मैं इस निर्माण कार्य को जिम्मेदारी लूं। अच्छा, अब 2024 का जिक्र हो रहा है, 2024 वैसे भी चुनावी वर्ष है और आप कह रहे हैं जनवरी में जो है दर्शन के लिए उपलब्ध होगा राम मंदिर राम भक्तों के लिए, तो उद्घाटन की कुछ खास तैयारियां की गई हैं क्या? इसके बारे में ये मेरा कोई कार्य क्षेत्र नहीं है, ये ट्रस्ट करेगा। अच्छा, और अभी तो मैंने कोई बात ऐसी सुनी नहीं है कि ट्रस्ट के यहाँ, ट्रस्ट के स्तर पे किस प्रकार की तैयारी हो रही है, लेकिन ऐसे संकेत अवश्य हैं कि जनवरी के प्रथम और दूसरे सप्ताह में जी यदि किसी प्रकार का औपचारिक आयोजन होना है तो ट्रस्ट उसके लिए तैयारी करेगा। और आखिरी सवाल कि पूरा राम मंदिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, जब हम पूरे राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे, वो घड़ी कब आएगी? देखिए, पूरे राम मंदिर का दर्शन आप दिसंबर 2024 में कर लेंगे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नृपेंद्र जी, धन्यवाद। आपने कीमती वक्त निकाला TV9 भारतवर्ष के लिए। इंटरव्यू 9 में आज हमारे साथ थे नृपेंद्र मिश्रा, जिनसे हमने बात की तमाम अहम मुद्दों पर, और बड़ी बेबाकी से नृपेंद्र जी ने अपनी राय रखी, अपनी बात रखी। फिर इंटरव्यू 9 में किसी दूसरी बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनसे करेंगे बात। तब तक के लिए नमस्कार।